लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान शनिवार को संपन्न हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर औसतन 54.2% मतदान हुआ है। अम्बेडकर नगर में सबसे अधिक 61.54% और फूलपुर में सबसे कम 48.94% मतदान हुआ है। वहीं बलरामपुर जिले की गैंसड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 51.10% मत पड़े हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान स्थित मतदान केंद्र पर पूर्ण मतदान कराए गए, जिसमें 73.99% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि छठे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें सुल्तानपुर 55.50%, प्रतापगढ़ 51.75%, फूलपुर 48.94%, इलाहाबाद 51.75%, अम्बेडकर नगर 61.54%, श्रावस्ती 52.76%, डुमरियागंज 51.94%, बस्ती 56.67%, संत कबीरनगर 52.63%, लालगंज 54.14%, आजमगढ़ 56.07%, जौनपुर 55.52%, मछली शहर सुरक्षित 54.43% और भदोही लोकसभा सीट पर 53.7% मतदान हुआ है। इसी के साथ इस चरण की 14 सीटों पर 162 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। रिणवा ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम को सील कर सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूमों तक पहुंचा दिया गया है। ईवीएम की सुरक्षा में सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। सीसीटीवी से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मतों की गिनती 4 जून को होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। छठे चरण में मुख्य रूप से सुल्तानपुर से भाजपा की वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव, श्रावस्ती से भाजपा के साकेत मिश्र, डुमरियागंज से भाजपा के जगदम्बिका पाल, इलाहाबाद से भाजपा के नीरज त्रिपाठी एवं कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह और जौनपुर से भाजपा के कृपाशंकर सिंह चुनाव मैदान में हैं।